गाइस देख सकते हो कितना बड़ा पार्क है। मैंने कभी सोचा ना जिस पार्क में मैं आज तक नहीं आई हूँ, मुझे लगता था कि यहाँ पे आने पे कुछ हो जाएगा, इसलिए मैं आती नहीं थी। बट फाइनली आज आने के बाद मैं देख रही हूँ काफ़ी बड़ा पार्क है और काफ़ी ब्यूटीफुल है। मतलब यहाँ पार्क के सुकून से आप घूम सकते हो, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और ज़्यादा जो अक्सर पार्क में आपको मिलता है कपल्स वो भी यहाँ पर नहीं है, एकदम फ्री है और काफ़ी अच्छे से इसको गार्डनिंग किया गया। चलो आप लोग और भी दिखाते हैं आगे चल के। गार्डन में 137 के मेट्रो स्टेशन के पास में, तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं जिनको जो अजर आस पास रहते हैं उनके लिए। ओके इस यहाँ से एंट्री गेट है इसका आई थिंक। तो गाइस यहाँ पे योगी आदित्य जी ने इसको आई थिंक 2021 में ओपन किया था जब मैं यहाँ पे आई थी, नहीं मैं यहाँ पे 2022 में आई थी। ओके चलो तो गाइस अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं यहाँ पे, मतलब कुछ काम भी होता होगा और घूम भी सकते हो, काफ़ी अच्छा प्लेस है टहलने वहलने के लिए, तो चलो आप लोगों को भी टहलाते हैं। व्यू अंदर या कुछ ऐसा दिखता है, आई थिंक वहाँ पे वाटरफॉल का भी शो होता होगा और ये बैठने का एरिया दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग आए हैं, इधर लोग बैठे हुए हैं। ठीक है कमेंट जरूर करना कि आप किस सेक्टर से हो नोएडा के, अगर आप हो इधर से। तो पहले तो मैं डर गई थी कि ये पार्क है कि नहीं है जनरली, बट फिर मैं लगा हाँ हो सकता है क्योंकि बाकी लोग घूम रहे थे, तो मेरे को लगा हो सकता है पार्क ही है क्योंकि मैं यहाँ पर एक साल से रह रही हूँ, बट मैं आई आज हूँ। सही बताऊँ तो मैं यहाँ पर लगभग 1 ईयर से रह रही हूँ नोएडा में, बट यहाँ पे आज मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ क्योंकि इस मेट्रो पे मैं आती ही नहीं हूँ कभी ना, इसलिए आने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। और तो गाइस यहाँ का व्यू मतलब ठीक ठाक है, मतलब मैंने मेट्रो से कई बार देखा था तो लगता था कि बहुत ब्यूटीफुल होगा, वैसे तो है ब्यूटीफुल। चलते हैं उधर फ्लावर के साइड, चलो घूमते हैं। दैट्स द मेट्रो, क्योंकि यहाँ पे 137 मेट्रो स्टेशन भी है तो वो जा रहा है। ठीक है ओके, ठीक है आप लोग देख रहे हो यहाँ से मतलब काफ़ी अच्छा रोड मैप बनाया गया, फ्लावर्स भी लगाए गए हैं, इवन सारी चीज़ें हैं ग्रीनेस। और ये मैं हूँ, आप लोग मुझे तो देखे ही होंगे अक्सर देखा है। यहाँ पे वाटरफॉल का भी आई थिंक कुछ होता होगा मेरे को लग रहा है। गाइस बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे बैठने के लिए, हर जगह चेयर भी दिया गया, यहाँ पे यहाँ पर बैठ सकते हो, उधर भी बैठ सकते हो, इवन कहीं बैठ सकते हो जहाँ आपका मन करे, जैसे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। और मुझे काफ़ी स्टार्टिंग में डर लग रहा था बट अच्छा चलो उन्हें। तो क्या जैसे कि पार्क देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और क्लीन है, मतलब कह सकते हो उतना भी गंदा नहीं है क्योंकि लोग अगर गंदगी फैलाना वो तो हर जगह फैलाते हैं, खा कुछ भी फेंक देते हैं तो वो छोड़िए, बट यहाँ पे आ सकते हो अगर आप लोग आसपास से बिलोंग करते हो तो। और मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे अच्छे व्यू, कमेंट जरूर करना कि आप लोग हो कि नहीं हो। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा पार्क है, उधर भी आप जा सकते हो, सारा एरिया है मेरे को लग रहा है पीड़ों को ज़्यादा ही है, बट यहाँ भी अच्छा है, इधर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है ये। चलो मैं आपके लिए मैं रील शूट करती हूँ, मुझे रील शूट करना ही है। और गाइस ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आई थिंक उधर तक है ये, जो मेट्रो से मैं देखी थी इसको दो पार्ट में बटा हुआ था, आई थिंक वही वाला है ये, आई थिंक उधर भी है देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मतलब कह सकते हो ये जो पार्क है वो आपके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जो सिटी से बिलोंग करते थे, क्योंकि यहाँ पे इस मतलब जगह पे यहाँ पे उतना कुछ है नहीं बैठने के लिए। देखिए उधर कोने में सीट दिया हुआ है, लगा आई थिंक जंगल झाड़ जब गए थे उधर, कोई बैठता भी नहीं हो, बैठते होंगे जिनको बैठना होता होगा। और इधर काफ़ी दूर तक है, मैं आप लोग को सबका व्यू दिखाऊँगी। ठीक है पहले मैं रील बना लूँ। गाइस ये अंदर का देख सकते हो मेट्रो यहाँ से दिख रहा है, और इधर जो हम लोग अभी उस साइड से आए घूम के वो है। और गाइस यहाँ पे देखो लोग का तो कुछ कह नहीं सकते, देखो खा के वहीं कचरा फैला दिया, कितना कोई साफ़ करेगा भाई, कोई एक लिमिट तक ही साफ़ करवा सकता है ना, लोगों का काम होता है सफाई करवाना। और गाइस अभी उधर तक आप लोग घूम सकते हो, मतलब वॉक के लिए बहुत अच्छा है, काफ़ी बड़ा पार्क है, मुझे लगा था कि आई थिंक छोटा पार्क होगा, बट देख सकते हो उधर भी अभी लोग घूम रहे हैं, जो उधर पेड़ दिख रहा है वो भी आई थिंक इसी एरिया का पार्ट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब जो इसके आसपास रहते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेस है। और ये देखो कितना सुंदर प्यारा सा रास्ता इस पर हम लोग चल रहे हैं। गाइस देख सकते हो कितना बड़ा पार्क है, मैंने कभी सोचा ना जिस पार्क में मैं आज तक नहीं आई हूँ, मुझे लगता था कि यहाँ पे आने पे कुछ हो जाएगा, इसलिए मैं आती नहीं थी, बट फाइनली आज आने के बाद मैं देख रही हूँ काफ़ी बड़ा पार्क है और काफ़ी ब्यूटीफुल है। मतलब यहाँ पार्क के सुकून से आप घूम सकते हो, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और ज़्यादा जो अक्सर पार्क में आपको मिलता है कपल्स वो भी यहाँ पर नहीं है, एकदम फ्री है और काफ़ी अच्छे से इसको गार्डनिंग किया गया। चलो आप लोग और भी दिखाते हैं आगे चल के। तो गाइस ये देखो मेट्रो जा रहा है, तो मैं कह रही थी कि मेट्रो जस्ट पास में है, आ जाओ मेट्रो के पास। और गाइस मेट्रो इस टाइम पूरा खाली है क्योंकि मेट्रो
वो इस टाइम जाता है खाली है, इसके बाद भिड़ जाएगा। हाँ तो गाइस ये देखो गार्डन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आई मीन पार्क जो भी बहुत बड़ा है। अभी मैं रील शूट कर रही थी जिसमें मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा ब्रेक दे देती हूँ। और गाइस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब मैं तो सोच रही हूँ अभी इधर डेली आकर रील शूट करने का, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं रील शूट करती हूँ। उधर देख लो ना कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल बना है ये, आप कहीं भी जाकर बैठ सकते हो। इवन बैठने के लिए भी हर जगह आपको सीट दिया गया है। उधर आई थिंक पानी के लिए कुछ बनाया गया है ब्रिज टाइप्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो चलो मैं आप लोग को उधर भी घुमाती हूँ। चलो पहले इधर ही घूम लेते हैं गाइस, घूमने के लिए तो काफ़ी जगह है। और उधर ब्रिज की तरह बनाया गया जो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, फील आया कि ब्रिज। चलो उधर कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिए क्योंकि पार्क बहुत बड़ा है। मैं आप लोग अपने पैर से चल चल के धीरे दिखा रही हूँ। ये बस में बनाया गया, पानी वानी कुछ नहीं है, खाली है, बट अच्छा लग रहा है। देखो उधर गिलहरी घूम रही है, छोटी सी गिलहरी, तो सीधी सी भग गई, पक गई। इधर है इधर इधर गिलहरी। तो यहाँ पे एनिमल्स भी घूम रहे, तो आप लोग सतर्क रहिएगा, तो काट उट लेंगे तो ठीक है। एनिमल लिए गाइस मजाक कर रही हूँ, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा 21 करोड़ में, 2021 करोड़ के कहा था। अरे 21 करोड़ कैसे उनके पार्क हो, 21 करोड़ को रुपया बोला। अभी हम लोग मैं एक और दो रील शूट कर रही थी और हम लोग थोड़ा आगे आ चुके हैं, पीछे का आप देख ही रहे हो, देखी हो ऊपर जहाज जा रहा है। जा रहा है कि मुझे जहाज देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, ऑब्वियसली बात है सबको पसंद होता है। तो देखो जा रहा है, उसको बाय बोलो, बाय बाय। और फिर हम लोग आते हैं पार्क पे। तो गाइस पार्क कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मतलब कम मेरे सोचे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मैंने सोचा कि इतना बड़ा पार्क होगा यहाँ पे, वो भी इस सेक्टर में, क्योंकि सेक्टर में तो स्पेस है ही, स्पेस तो बहुत है लेकिन अच्छी चीज़ें नहीं है। बट गिलहरी फिर से घूम रही है, मम्मी मेरी चल रही है, और ये ब्यूटीफुल सा प्लेस है जहाँ पे हम लोग टुक टुक अपने पैर चल रहे हैं। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आई हूँ, ठीक है। एक मैं लाती नहीं हूँ बेसिकली। देखो फिर से मेट्रो आ गया जो आपको यहाँ दिखेगा अभी जस्ट, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो आपको जस्ट थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा, ओके। और चलो गाइस काफ़ी अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं, हम लोग अभी जंगल के अंदर जाएंगे। ए मम्मी है करा अंदर चले, आप पेड़ों के अंदर आप वीडियो बनाओ, अच्छा है जंगल वाला फील है, पेड़ के पीछे लुका लगे। चलो ये वक्त तालाब को देख 50 रुपये खर्च करे पड़ी, 50 रुपये खर्च करे पड़ी। गाइस गिलहरी, ए लो गिलहरी, तीजे भाग गई भाग गई भाग गई भाग गई गिलहरी। अबे कुछ खा के दे, आ दे, चढ़ गई ऊपर। चलो भगत मुड़ी पे कूद जाएगी। लॉन्ग हो रहा है, आप लोग माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को पूरा दिखा रही हूँ। देखो यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, मतलब लोग अकेले में आके बैठे हुए हैं एक चेयर पे, मतलब यहाँ पे झगड़ा नहीं हो सकता कि आप इस चेयर पर नहीं बैठ सकते हो, उस चेयर पर नहीं बैठ सकते हो, आपको जहाँ मन करे वहाँ बैठ सकते हो, पूरा जगह आपका है। और गाइस नोएडा का ये मेरे को बहुत अच्छा लगा ये वाला पार्क, बट अफसोस इस बात का है कि मैं यहाँ पे 1 साल से नहीं आई हूँ, अफसोस ही अफसोस है। खैर कोई बात नहीं, वैसे मैं करने के आती यहाँ पे अकेले, दिल तो बनेगा नहीं मेरे से। गाइस देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ यहाँ पे आने के बाद से ना, मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पिंपल हो गया है, नॉट बैड। खैर कोई बात नहीं, ये भी कोई माइंड नहीं, ठीक हो जाएगा कल परसों में। थोड़ी मोटी लग रही हूँ, देखिए ठीक है। अब हम तभी दूसरे सेक्टर में आई थिंक पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये 37 वो है और ये इसके जो पार्क के बगल में वो दूसरा सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी दिख रही है, मतलब हम लोग दूसरे सेक्टर में। बट आई थिंक यहाँ से कोई रास्ता नहीं है बाहर जाने का, तो यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। खैर छोड़ो, हम लोग जंगल में चलते हैं। कम्प्लीट कर चुका है, इधर से हम लोग आए हैं और जस्ट हम लोग दूसरे साइड जा रहे हैं। आप लोग मान सकते हो कम्प्लीट हो चुका है लगभग। तो वैसे मतलब आप घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है, शांति भी है, अच्छा है बेसिकली, बहुत अच्छा है। मतलब बैठने के लिए भी है, बैठने के लिए तो आप कहीं भी बैठ सकते हो बेसिकली। मेट्रो जा रहा है गाइस, चला गया। तो गाइस अगर उधर तक जा सकते हैं बट मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि बहुत दूर है उधर, मैं इधर ही रहूँगी, मतलब काफ़ी दूर है, काफ़ी स्पेसी है, बहुत दूर मैं घूमने लगूँ ना, पर लगा उधर काफ़ी दूर मिलेगा, नहीं घूमो बैठे खाते हुए। नहीं मैं इतना चलते चलते थक गई हूँ, पता है टोटल मैं कितना चल रही हूँ, ओह शिट, अभी तो मैंने बस 1.5 किलोमीटर ही चला है, मुझे लगा मैंने बहुत ज़्यादा चल दिया है। अच्छा मतलब मैं धीरे चल रही हूँ ना इसलिए ज़्यादा लग रहा है। लेकिन गाइस ये पार्क लिटरली बहुत बड़ा है, सही में बहुत बड़ा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मैं तो इतना तक घूमी हूँ और मैं थक चुकी हूँ, अब मैं सोच रही हूँ मैं नेक्स्ट डे आऊँगी तो घूमूँगी, क्योंकि अभी हम लोग बीच में भी नहीं गया है, अभी हम लोग साइड साइड में घूमे, उधर बैठने के लिए उधर चला जाकर बैठे खाते हैं, चला जाकर घूमने, बैठने के लिए भी दिया गया, आप लोग बैठ भी सकते हो आराम से आके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। बहुत लोग टहल रहे हैं इधर,
बहुत ही अच्छे से पेड़ है, कटहल का लगाया गया, अमदूर का, अनार का, मतलब बहुत अच्छे से पेड़, फ्रूट्स का पेड़ लगाया जो कि अभी आई थिंक देखो छोटा छोटा पकड़ा हुआ है, देखो छोटा छोटा अमदूर हुआ है, बड़ा तो मैं तोड़ के खा जाती, खैर है नहीं। और गाइस ये अभी शायद पानी वो किया गया जिससे मेरे को पैर मेरा गंदा हो गया थोड़ा सा, पूरा पटवल गया फल। अच्छा फल वाटिका, यहाँ पे मतलब हर जगह का नाम लिखा गया है, यहाँ फल वाटिका है, मतलब यहाँ पे देखो ये नींबू है, ये देखो यार अनार फरा हुआ है, ये देखो कितना प्यारा, मतलब बहुत सारी चीजें सब फरा हुआ है। पानी दिया गया सारे फ्रूट्स को, मतलब यहाँ एक्चुअली इसमें सारे फल ही है, के कोने कोने में क्या क्या कर रहे हैं, उधर देखो उधर दो तीन लोग बैठे हुए हैं जो कि फ्रेंड सर्कल के उधर बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ पर जिनको मान लो अच्छा है, मतलब क्योंकि सभी लोग जॉब करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जॉब से देख रहे हो सामने कंपनी है बहुत सारी, उधर वो फ्लैट्स है तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, और इधर बन रहा है, इधर कंपनी है, उधर भी कंपनी है, उधर जो स्लीपर देख रहे हो उधर मेरी कंपनी है, मैं उधर ही रहती हूँ बेसिकली। और चलो और ये रास्ते हैं पैदल दूर पर, रास्ता थोड़ी है, तो गाइस अभी हम लोग इधर से आए, उधर का ही व्यू है, हाँ उधर रास्ते का ही है, उसी रास्ते से हम लोग आए, उसके पीछे पारस वाला बिल्डिंग है, नहीं टूडे वाला ही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बायो वाला कुछ है, बायो वाला चला। तो गाइस ये ब्लॉग आई थिंक मेरे ख्याल से ये मेरे चमेली का फूल बहुत टाइम बाद मैं देख रही हूँ, मैं जब घर पर थी तब देखी थी, और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, तो कनेल का बोलते वो भी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैंने बहुत टाइम बाद इसको देखा है, ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा महकता है, और मैं बहुत टाइम के बाद देख रही हूँ, मतलब जितने फ्लावर्स हैं बहुत टाइम के बाद देख रही हूँ, क्योंकि ये मेरे घर पे थे तो उस टाइम बहुत ज़्यादा वो करते थे इसमें, मतलब महकते थे बहुत अच्छा लगता था, और यहाँ मैं बहुत टाइम के बाद कहीं देखो फिर से जहाज़ जा रहा है ऊपर, जहाज़ की मैं दीवानी हूँ, बट जहाज़ बैठने मज़ा आता है यार, पता है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा बैठने का, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगी, आप लोग देखना, आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो गाइस आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, क्योंकि मुझे तो बहुत ही मज़ा आया है यहाँ पे घूम के, आज सोचो 1 ईयर में इधर रही हूँ और इस पार्क में नहीं आई हूँ, अब भी आज आने वाली थी, नहीं आने वाली फिर कैसे भी करके आई हूँ, और आके मन खुश हो गया, अभी मतलब मुझे लग रहा सारे पेड़ पौधे लगाए जा रहे, काफ़ी आगे चल के और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। चलो फिर कभी आकर बैठेंगे इस पार्क में। और गाइस बी हैप्पी, वैसे आप मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक जो भी कर सकते आ सकते हो। तो गाइस अभी आई थिंक अभी और थोड़ा आगे चलेंगे तब जाए ख़त्म होगा, क्योंकि अभी और ज़्यादा आगे है, यहीं से ख़त्म नहीं होता, लगभग हम लोगों ने एक राउंड कंप्लीट कर लिया जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम था। गाइस फिर से जहाज जा रहा है, एक जहाज वन ऑफ माय फेवरेट, फाइनली हम लोग अंतिम छोर पे पहुंच चुके हैं जो कि ये रहा द मेन गेट पे आने वाले। तो गाइस पीछे का व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है इस वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने ये ब्लॉग कंप्लीट करते हैं यहीं पे, अब इसका मेन गेट मैं आपको दिखा देती हूँ जहाँ से हम लोग एग्जिट करेंगे, आते वक्त मैं ले नहीं पाई थी, आई थिंक दिमाग उतर गया था, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा दिमाग में सकपक था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम लोग जा रहे हैं, बस 100-500 मीटर चलना पड़ेगा तो हम लोग पहुँच जाएँगे। और देखो मेरे पीछे पता नहीं कौन सा फूल है, ये फूल पता ही नहीं है मेरे को कौन सा है, ये जंगल वाला है जो हम लोग घर पे होता है बेसिकली, इधर देखो आप लोगों ने अपने घर पे देखा होगा कई चीज़ें, और ये देखो गाइस इतना सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल है, उधर से भी जाके हम लोग फोटो खींच सकते हैं, बट नेक्स्ट टाइम कभी आगे खींचेंगे, फोटो खींचो बा खड़ा हो जाएगा। वैसे टावर है कुछ लिखा हुआ है, फाइनली एग्जिट वाला गेट उधर आपको दिख रहा होगा, तो अभी हम लोग निकलते हैं इधर से, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी टाइम से नहीं फिर भी 1 आवर तो हो ही गया हम लोग घूमते घूमते, क्योंकि धीरे धीरे तब से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आई थिंक चल रहे हैं। मैंने कहा आप लोग के लिए क्यों ना मैं ये वीडियो को एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था आप किधर रहते हो, तो मैंने कहा चलो फाइनली आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करते हैं, और फाइनली आज मैंने एक्सप्लोर किया। मेरे पीछे देख रहे हो इस टाइम शाम हो चुका है, और शाम को काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ पे, तो जो कि ऑब्वियस सी बात है, और ये स्टार्टिंग का उसी मतलब स्टार्टिंग का है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से कैंटीन बनने वाला है, क्योंकि बना नहीं है, बनेंगे कुछ दिन बाद,
ऐसी इसका मेन गेट है और ये सभी इतना सब कुछ खाली है, अभी कुछ भी बना नहीं है। कैंटून कहे हम कुछ लग रहा अभी जस्ट उतना, मतलब गार्डन तो पूरा प्रिपेयर हो गया, पार्क लेके जो अंदर का कुछ चीज़ें खाने में पीजिए कि यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, तो कहते हैं कुछ दिन बाद तैयार होगा। लोग रेस्ट कर रहे हैं, तब तक आप लोग देख लो। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम लेके, क्योंकि अभी थोड़ा दूर चलना पड़ेगा, ऑटो उस साइड मिलेगा इसलिए। तो गाइस ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करना, और अगर आप लोगों को यहाँ तो विजिट जरूर करना।